किस तरह से पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन, अल्काइन को देखा जाए तो अल्काइन इज डिपेंड अपॉन द क्या होगा कैटलिस्ट, नेचर ऑफ कैटलिस्ट पे प्रोडक्ट क्या होगा, अल्काइन की पार्शियल हाइड्रोजनेशन का जो प्रोडक्ट है दैट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की नेचर के ऊपर। अगर लिंड आर कैटलिस्ट मौजूद है तो इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द सिज अल्कीन, इफ क्या हो जाएगा लिक्विड अमोनिया, अगर क्या हो जाएगा और सोडियम मेटल की मौजूदगी में है तो दैट कैन बी टेक प्लेस यानी टू प्रोड्यूस द अल्कीन, ट्रांस अल्कीन। फिर अगर बुक के लिहाज से व्हाट आर द कंपोजिशन, शॉर्ट क्वेश्चन देखा जाए व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ लिंडार कैटलिस्ट, के लिंडार कैटलिस्ट की कंपोजिशन क्या है, यानी व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ लिंडार कैटलिस्ट, के लिंडार कैटलिस्ट की कंपोजिशन क्या होगी। अगर लिंडार कैटलिस्ट की कंपोजिशन के लिहाज से देखा जाए तो क्या होगी लिंडार कैटलिस्ट की कंपोजिशन, व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ लिंडार कैटलिस्ट, के लिंडार कैटलिस्ट की कंपोजिशन क्या होगी, व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ लिंडार कैटलिस्ट, लिंडार कैटलिस्ट की अगर कंपोजिशन के लिहाज से देखा जाए तो क्या बनेगा लिंडार कैटलिस्ट के लिहाज से, तो प्लैटिनम मेटल इज कोटेड ऑन द बेरियम सल्फेट सरफेस एंड प्रेजेंट विद द क्विनोलिन, दिस इज कॉल्ड एज लिंडार कैटलिस्ट। यानी व्हेन एवर क्या हो जाएगा, व्हेन एवर दैट इज क्या हो जाएगा कि प्लैटिनम मेटल इज कोटेड ऑन द बेरियम सल्फेट सरफेस, कि प्लैटिनम मेटल को बेरियम सल्फेट सरफेस के ऊपर क्या किया जाता है, जब कोटेड किया जाता है एंड प्रेजेंट विद द क्विनोलिन, दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज क्या कहेंगे यानी लिंडार कैटलिस्ट। या फिर अपनी तरफ से एक चीज मैंने लिखवाई कि व्हेन एवर द कैल्शियम यानी प्लैटिनम मेटल इज कोटेड ऑन द कैल्शियम सल्फेट सल्फेट, जब प्लैटिनम मेटल को कैल्शियम सल्फेट की सरफेस के ऊपर क्या करेंगे, व्हेन एवर द प्लैटिनम मेटल इज कोटेड ऑन द कैल्शियम सल्फेट यानी कैल्शियम कार्बोनेट सरफेस, देन आर द पॉइजन विद द क्विनोलिन, दिस इज आल्सो सेड टू बी लिंडार कैटलिस्ट। देन हमने कहा लिंडार कैटलिस्ट को पॉइजन कैटलिस्ट कहा जाता है, जो कि रिड्यूस करता है रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन टू प्रोड्यूस द सिज अल्कीन। अब कैसे, R into C यानी क्या हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड विद द C into R। अब हाइड्रोजन गैस क्या की ऐड की, इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम यानी प्लैटिनम मेटल स्पॉटेड ऑन द बेरियम सल्फेट एंड पॉइजन विद द क्विनोलिन, R लिंडार कैटलिस्ट। क्या होगा, पहले एक बॉन्ड इधर देखिएगा, पहले क्या होगा पाए बॉन्ड क्या हो जाएगा ब्रेक होगा, अब दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसने आके इस हाइड्रोजन पे अटैक करना है, ये बॉन्ड ब्रेक, ये हाइड्रोजन आके इधर, यानी ये वाला बॉन्ड पहले क्या होगा ब्रेक होगा पाए बॉन्ड, और दो बॉन्ड बचेंगे तो क्या बनेगा एक आर सी डबल बॉन्ड विद सी इंटू आर, यानी आर सी डबल बॉन्ड विद सी इंटू आर। अब क्या होगा एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन क्या होगा इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, देन इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द सिज अल्कीन, कि ये सिज अल्कीन बनाने के लिए क्या किया जा रहा है इस्तेमाल किया जाएगा। देन अगर नेचर ऑफ कैटलिस्ट को चेंज करें तो देखिए क्या बनेगा आर इंटू सी ट्रिपल बॉन्ड इंटू सी इंटू आर। अब नेसेंट हाइड्रोजन क्या की हमने यूटिलाइज की, इन द प्रेजेंस ऑफ यानी क्या होगा लिक्विड अमोनिया सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया एट -33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो ये क्या होगा एक आके यहां पर अटैक करेगा, एक आके यहां पर अटैक करेगा, तो इट इज यूज टू प्रोड्यूस द यानी क्या प्रोड्यूस करेगा, इट इज यूज टू प्रोड्यूस ट्रांस अल्कीन। इफ द मिथाइल ग्रुप आर अल्काइल ग्रुप आर हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट एट सेम साइट अलोंग द डबल बॉन्ड इट इज कॉल्ड सिज अल्कीन, अगर वो क्या होंगे डायगोनल के लॉन्ग होंगे दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द ट्रांस अल्कीन। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, सुनेंगे मैकेनिज्म किस तरह से ये ट्रांस अल्कीन का मैकेनिज्म क्या है, अल्कीन बनने का आखिर कैसे ये रिएक्शन हुआ, बुक में नहीं है, अगेन ये तीन चार लाइनों का मैकेनिज्म है याद करने के लिए, की पॉइंट्स ईटीपी टाइप की पॉइंट बनता है इसको मैं कराने के लिए यानी ये कर रहा हूं। अब सुनेंगे पहले अल्काइन है R इंटू सी ट्रिपल बॉन्ड इंटू सी इंटू आर, इसका रिएक्ट कराते हैं सोडियम मेटल के साथ। अब सुनेंगे सोडियम मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, सोडियम मेटल के अंदर ये टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है लूज करता है, R सी सी इंटू आर रिएक्ट विद द सोडियम मेटल। अब सोडियम इज अ मेटल, सुनेंगे सोडियम मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन को दे देता है, सुने जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन अपने वाला इलेक्ट्रॉन भी इसे दे देगा, अब इस कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी सोडियम इज यूज्ड टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन टू दैट कार्बन, के सोडियम ने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया एंड दिस कार्बन कैन डोनेट इट इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टू द नेक्स्ट कार्बन।
अब नेक्स्ट कार्बन को देगी तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, देखें R इनटू क्या बनेगा C। अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्यों, उसका एक तो अपना इलेक्ट्रॉन आया, एक दूसरा कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन गया, R इनटू C डबल बॉन्ड C, इस पे नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो क्या हुआ, दैट इज फ्री रेडिकल इनटू R। अब ये यानी जो पाए बॉन्ड में मौजूद इसका इलेक्ट्रॉन था वो सोडियम ने इसे प्रोवाइड कर दिया और उसका इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट पे शिफ्ट कर दिया। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, अब सुने ये नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर रिएक्ट करेगा, पहला रिएक्शन था, अब दूसरा रिएक्शन देखें, R इंटू सी नेगेटिव इंटू क्या बनेगा, डबल बॉन्ड विद द सी फ्री रेडिकल इंटू क्या हो जाएगा, इसका अमोनिया के साथ, लिक्विड अमोनिया के साथ क्या करते हैं, ट्रीट कराते हैं, लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट कराएंगे। अब देखें पार्शल नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डिवेल पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। अब क्या होगा, ये देखें नेगेटिव चार्ज जो यहां पे मौजूद था उसने आके इस पे अटैक करना है, क्या बना देना है, देखें R into CH, C था एक H, CH डबल बॉन्ड into C फ्री रेडिकल into क्या आ जाएगा, R आ जाएगा प्लस अमाइनो ग्रुप क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ये NH2 क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अब सुनेंगे इन द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप के अंदर थर्ड रिएक्शन क्या होगा, थर्ड रिएक्शन के अंदर R इंटू सी, इसको हम यूं लिख देते हैं R इंटू सी इंटू एच डबल बॉन्ड विद द, यानी क्या दिया हुआ है, सी इंटू आर जिसके पास फ्री रेडिकल है, रिएक्ट कराते हैं दूसरी अमोनिया यानी क्या होगा सोडियम के साथ, एक और सोडियम के साथ, तो क्या होगा ये अपना इलेक्ट्रॉन सिंपल इसको देगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो क्या बनेगा R into C into H डबल बॉन्ड विद C, नाउ इट इज नेगेटिव चार्ज, एक तो उसका अपना इलेक्ट्रॉन था, एक सोडियम ने प्रोवाइड कर दिया नेगेटिव चार्ज, इनटू क्या बनेगा R प्लस सोडियम आयन। अब क्या हो जाएगा, अगेन R, फोर्थ रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन क्या है, R into C into H डबल बॉन्डेड विद C नेगेटिव चार्ज, इनटू क्या होगा R रिएक्ट विद अगेन अमोनिया के साथ, लिक्विड अमोनिया के साथ क्या करता है वो रिएक्ट करता है एंड डिवेल पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये अगेन नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, आके इसके ऊपर रिएक्ट करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो क्या बनेगा रिएक्शन से प्रोडक्ट R into C into H डबल बॉन्ड C into H into क्या बनेगा R, that is said to be trans alkene, तो ये trans alkene का क्या होगा mechanism होगा, that is used to produce the trans alkene, trans alkene का, यानी ये जो reaction हमने लिखा कि alkyne react with the hydrogen to produce trans alkene, direct हमने लिखा, ये direct reaction है, mechanism क्या है कि जो liquid sodium लिखा गया, मैंने कहा nature of catalyst पे depend करता है, कैसे, अगर मैंने sodium metal दी तो sodium metal ने electron provide करके trans production इंक्रीज की, यानी अगर सोडियम मेटल लिक्विड अमोनिया है तो सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर है, तो यहां पे जो की पॉइंट आपके पास बनता है वो की पॉइंट आपके पास क्या बनता है कि सोडियम जो है, सोडियम मेटल इज द इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर हियर, इस रिएक्शन के अंदर ध्यान में रखिएगा ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर होगा और अमोनिया जो होगा दैट इज द अमोनिया डोनेट द प्रोटॉन, ये प्रोटॉन प्रोवाइडर होगा, यानी डोनेट प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोवाइडर, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रोवाइडर मौजूद होंगे तो ट्रांस अल्कीन बनेगी, और अगर क्वेश्चन कैटलिस्ट मौजूद होगा जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है तो तब क्या बनेगी, सिज अल्कीन बनेगी। तो ये इंपॉर्टेंट था रिएक्शन के प्रोडक्शन ऑफ सिज अल्कीन एंड एज वेल एज ट्रांस अल्कीन, ये की पॉइंट्स होते हैं, ये आपका बेसिक कंसेप्ट होता है जिसको आप बार बार करते हैं, जिस बंदे को ये कंसेप्ट यानी ये वाला जो रिएक्शन है ये मैकेनिज्म आता है ये उसके लिए कुछ भी नहीं है रिएक्शन। देन हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, अल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल स्टेट है, द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज द फिजिकल स्टेट। अब पहली फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट के बारे में है, अब फिजिकल स्टेट के बारे में है तो यहां पे क्या लिखेंगे अल्केन, और यहां पे क्या लिखेंगे फिजिकल स्टेट उसकी, अल्केन अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल स्टेट, के फिजिकल स्टेट के लिहाज से। अब देखिएगा अल्कीन कौन कौन सी है, अल्कीन अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल स्टेट, पहले C2 से C4,
अल्केन में पढ़ा था सी वन से सी फोर तक, यहाँ पे सी टू से सी फोर है। अगर सी टू से सी फोर है दैट इज प्रेजेंट इन देयर गैशियस फॉर्म, कि वो गैशियस फॉर्म में है। सी फाइव टू सी क्या हो जाएगा 15, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। लेकिन अगर अल्केन में देखें तो सी वन से सी फोर था और सी फाइव से सी एट यानी 17 था, यहाँ पे क्या है सी फाइव से सी 15 है। और अगर देखा जाए सी क्या हो जाएगा 16 टू ऑनवर्ड That can be exist. इससे onward क्या होंगे? Exist in a solid form. कि ये solid form के अंदर क्या करेंगे? Exist करेंगे. So that are the physical state. उसके बाद अगर दूसरी property देखते हैं, that is the solubility. अगर सॉलिबिलिटी के लिहाज से देखा जाए तो एक बात यहां पे क्लियर होनी चाहिए, वो कौन सी, कि अगर अल्कीन को स्टडी करते हैं तो अल्कीन क्या होते हैं, जस्ट लाइक अल्केन, अल्केन की तरह के वीकली पोलर हैं। अगर ये वीकली पोलर हैं तो ये क्या होंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर, कि ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होंगे, एंड सॉल्युबल इन अल्कोहल, कि ये अल्कोहल के अंदर सॉल्युबल इन अल्कोहल, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। तो जस्ट लाइक अल्केन, अल्केन की तरह की प्रॉपर्टी, अगर जस्ट लाइक अल्केन देखा जाए तो इसके अंदर भी जस्ट लाइक अल्केन, अल्केन की तरह से, यानी क्या हो जाएंगे कि अल्कीन्स आर आल्सो वीकली पोलर एंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन द अल्कोहल, कि ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं और सॉल्युबल होते हैं किस चीज के अंदर, अल्कोहल के अंदर ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसकी नेक्स्ट बात करते हैं वो कौन सी चीज है, यानी अगर सॉल्युबिलिटी को देखा हमने तो सॉल्युबिलिटी के लिहाज से क्या होती जाती है, चेंज होती है, यानी सॉल्युबिलिटी के लिहाज से ये क्या होंगे, चेंज। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर देखी जाए तो पोलैरिटी क्या होगी, या एक दो प्रॉपर्टीज है, मैं इसके लिहाज से खुद ही करा देता हूं। इससे पहले थोड़ा सा, व्हाई अल्कीन्स आर द रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी देखी जाए, व्हाई अल्कीन, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाई अल्कीन आर मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड, मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स, के अल्कीन्स को मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स क्यों कहा जाता है, वजह क्या है, Why alkenes are said to be most reactive compounds? के alkenes को most reactive compound consider किया जाता है, most reactive compounds कहा जाता है, वजह क्या है? आप लोग इधर देखेंगे, पहले क्या होगा? In the case of alkene, the sp2 hybridized carbon atom can get overlap with the, यानी sp2 hybridized क्या हो जाएगा, orbital of another carbon atom, एक carbon atom का sp2 hybridized atom दूसरे carbon atom के साथ क्या करेगा, react करेगा through a head to head, यानी क्या करेगा, overlap and form a sigma bond, but क्या हो जाएगा, इन द केस ऑफ अल्कीन, यानी क्या हो जाएगा कि अदर इज प्रेजेंट इन अ पैरेलल फैशन, यानी क्या हो जाएगा, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज प्रेजेंट इन द पैरेलल फैशन, इन विच क्या हो जाएगा, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैन गेट ओवरलैप अबव और बिलो द प्लेन लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू न्यूक्लियर। तो आप क्या कहेंगे, व्हाई अल्कीन्स आर द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड, बिकॉज क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड विच इज प्रेजेंट जस्ट क्या हो जाएगा, बिलो और अबव लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू न्यूक्लियर, दो न्यूक्लियस के दरमियान जो लाइन ज्वाइन कर रही है उससे या तो क्या होगा, अबव मौजूद होगा या फिर क्या होगा, बिलो मौजूद होगा, तो विच इज फॉर्म बाय, यानी क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड किसकी वजह से बना, बिकॉज ऑफ पैरेलल ओवरलैपिंग, पैरेलल पैरेलल ओवरलैपिंग, यानी पैरेलल ओवरलैपिंग की वजह से। तो आप क्या कहेंगे, इन द केस ऑफ अल्कीन, अल्कीन के केस के अंदर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विच आर यानी क्या होगा, प्रेजेंट परपेंडिकुलरली, इन द केस ऑफ अल्कीन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विच इज प्रेजेंट परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर तौर पर क्या होगा, मौजूद होगा, विच इज प्रेजेंट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है, एंड आर फॉर्म, यानी क्या हो जाएगा, ये बनेगा किस तरह से बनेगा, एंड आर फॉर्म, यानी क्या होगा, विद द पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बनने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर देखा जाए, इट इज प्रेजेंट जस्ट क्या हो जाएगा, अबव और बिलो, above or
बिलो होगा लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू न्यूक्लियाई, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू न्यूक्लियाई के क्या होगा, या तो अबव होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर क्या होगा बिलो होगी, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या होगा वीक होगा। जब ये वीक बॉन्ड है ब्रेक होगा, अब ये ब्रेक होने के बाद क्या शो करेगा रिएक्टिविटी शो करेगा। तो अल्कीन आर द मोर रिएक्टिव क्लास ऑफ द कंपाउंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड विच इज फॉर्म, यानी क्या होगा विद द पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के पैरेलल ओवरलैपिंग की वजह से बनेगा, इन विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट जस्ट अबव और बिलो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस के दरमियान जो लाइन ज्वाइन करी है उससे या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपर मौजूद होगी या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिलो मौजूद होगी, जिसकी ऊपर न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्सेस कम है, इस वजह से वो इजिली वीक बॉन्ड है, ब्रेक होगा और रिएक्टिविटी क्या करता है शो करता है। तो अल्काइन्स आर द मोर रिएक्टिव क्लास ऑफ द कंपाउंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, यानी क्या होगा किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड विच इज इजिली ब्रोकनेबल एंड शो देयर रिएक्टिविटी। देन इनके लिहाज से चंद एक पॉइंट्स हैं, अल्काइन्स के लिहाज से वो चंद एक पॉइंट्स क्या हैं, यानी रिएक्टिविटी हमने देख ली वो चंद एक पॉइंट्स क्या हैं, अब सुनेंगे अब उनके की पॉइंट्स एक्चुअली देख रहे हैं, की पॉइंट्स चंद एक की पॉइंट्स क्या है। मैं आपसे कहता हूं स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है अल्काइन का, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अल्कीन, अल्कीन का स्टेबिलिटी ऑर्डर द मोस्ट इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ईटीपी पॉइंट, ईटीपी पॉइंट का सबसे इंपॉर्टेंट, अल्कीन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अल्काइन। सुनेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइन होती है एक, मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइन, मैं इसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड लिख रहा हूं, इज अ लेस रिएक्टिव देन दैट ऑफ सिस अल्कीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज अ लेस रिएक्टिव देन दैट ऑफ सिस अल्कीन, सिस अल्कीन आर लेस रिएक्ट यानी क्या होगा स्टेबल देन दैट ऑफ ट्रांस अल्कीन, स्टेबिलिटी के लिहाज से यानी क्या होगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज अ लेस स्टेबल देन दैट ऑफ सिस अल्कीन, सिस अल्कीन इज लेस स्टेबल देन दैट ऑफ ट्रांस अल्कीन and transalkene is less stable than that of trisubstituted alkene, ke trisubstituted alkene se wo less reactive honge aur ye less reactive honge as compared to tetrasubstituted kya hoga alkene usse less reactive hoga, ab samjhata hu dekhenge monosubstituted alkene kya hogi r into c ट्रिपल बॉन्ड इनटू CH, ये जो R है ये सब्स्टिट्यूशन है, यानी मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो है ये लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू दैट ऑफ, यानी क्या होगा सिस अल्कीन R इनटू CH इनटू डबल बॉन्ड विद अ C इनटू R इनटू H, यानी डाई सब्स्टिट्यूटेड सिस है, यानी दोनों एक साइड पे मौजूद है, लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ट्रांस, ट्रांस में क्या होगा R इनटू C इनटू H इनटू डबल बॉन्ड विद अ C इनटू H इनटू R, ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है बट ट्रांसफॉर्म में है, ट्रांसफॉर्म आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ, ट्रांसफॉर्म क्या होगा मोर स्टेबल क्या किया जाता है कंसीडर किया जाता है। अब उसके बाद अगर देखें तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड की बात है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड की R into C into क्या होगा R डबल बॉन्ड C into H into R, यानी R क्या सब्स्टिट्यूशन, अगर तीन सब्स्टिट्यूटेड हैं तो इनसे मोर रिएक्टिव है यानी स्टेबल है। उसके बाद अगर देखा जाए R यानी टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को देखा जाए यानी दीज आर द क्वाइट स्टेबल, तो यानी स्टेबिलिटी के लिहाज से देखा जाए तो यानी टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर द मोस्ट स्टेबल देन दैट ऑफ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन एंड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ ट्रांस डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ट्रांस डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द सिस डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन एंड सिस डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, कि ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन से क्या होंगे ज्यादा स्टेबल होंगे।